नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के बाद अगर देखा जाए तो कट ऑफ की होड़ लगी है। हर संस्थान ये मैं देख रहा हूं होड़ में कि कौन कितना जल्दी कट ऑफ बता देता है, और इसमें वो इस बात को भूल जाते हैं कि शायद बच्चे पे कितना नकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ना ही किसी डेटा की एनालिसिस, ना ही कुछ भी, और अनाप शनाप उल्टा सीधा गलत सही कोई भी कट ऑफ बता के चले जा रहे हैं, और ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तमाम मामलों में मैं सारी चर्चा करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग, कोई बता रहे कट ऑफ 240 जाएगा, कोई बता रहे कट ऑफ 230 जाएगा, कोई बता रहा है 230 220 वाले रनिंग करो, कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, और कोई एनालिसिस नहीं बता रहा है। कोई सबसे बड़ी बात है कि बता रहे मेरे पास 35,000 आंकड़े हैं, कोई बता रहे मेरे पास 50,000 आंकड़े हैं, कोई बता रहे मेरे पास 40,000 आंकड़े हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास आंकड़े हैं तो वो बच्चों को दिखा दो कि इतने सारे आंकड़े हैं, और बच्चा बिलीव कर ले, आपको मान जाए। लेकिन आप अपने तनिक से लाभ के लिए, कुछ चंद व्यूज के लिए आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हो, आप में लाखों व्यूज होते हैं, और वहां के व्यूज के चक्कर में आप यहां बच्चों के साथ गलत मत करिए। ये कट ऑफ का मामला बहुत ही सेंसिटिव होता है। हर बच्चा जब पेपर देके आ रहा होता है तो वो आपकी वीडियो से मतलब नहीं रखता, चेहरा कौन बोल रहा है सामने मतलब नहीं रखता, वो देखना चाहता है कि वो बस चेक करना चाहता है कि कोई अध्यापक कोई टीचर उसे बोल दे कि हाँ भाई मैं इसमें क्या हूँ, मैं इसके अंतर हूँ, अब मुझे सुकून मिल रहा है, मैं आगे की तैयारी या आगे की रनिंग जारी रखूँ। वो ढूंढ रहा होता है, वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है, और आप उसका लाभ उठा के कुछ भी अनाप शनाप बक दे रहे हो, ये बहुत ही गलत है। सारी बातें हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, और मैं इस वीडियो में अगले 5-7 मिनट में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, एक चीज समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़ा सब कुछ आपके सामने लेके आया हूं, इसलिए मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं। ये सारा आंकड़ा, ये अगर आप देखोगे तो यूपी कांस्टेबल एग्जाम कट ऑफ, ये सब कुछ मैं आपके सामने लाया हूं, जो आपके द्वारा ही रिस्पांस दिए गए हैं, और इसके आधार पर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं आपके चंद जो प्रश्नों से जो आपके दिमाग में है, उन प्रश्नों की बात किया जाए। तो ये वो प्रश्न है जो आपके दिमाग में अक्सर रहते हैं, जैसे कौन सी शिफ्ट आसान थी कौन सी कठिन। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये बात तब हम बता सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी कौन सी कठिन, जो हमारे पास संपूर्ण आंकड़े हूं, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बना चुके हैं, अभी थोड़ा पॉज लेते हैं। किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा, इस पे भी मैंने देखा है बहुत सारे तथा कथित लोग बहुत गलत गलत जानकारी दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटता नहीं है, बच्चे को आप अंधेरे में रख रहे हो। कोई कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में 25-25, 40-40 नंबर बढ़ जाएगा, यहां पर भी आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब आपने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को सही से पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने एक नॉर्मलाइजेशन का अलग से वीडियो बना दिया है, और वहां पर भी बच्चा देख लेगा तो उसे एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा। गलत प्रश्नों का एक बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर प्रत्येक शिफ्ट में यहां पे ये प्रश्न गलत था, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े अध्यापकों के मुंह से ये कहता हुआ सुना हूं, उनके स्क्रीनशॉट बच्चे मुझे भेजते रहते हैं कि सर ये देखिए इन्होंने बोला है कि क्या बराबर नंबर मिलेगा, तो फिर ऐसा उन बच्चों के साथ नुकसान हो जाएगा जिन्होंने वो टिक तो किया और सारे क्वेश्चन सही किए थे, उसका भी नंबर सही है, और ऐसा बच्चा जो उस पर समय दिया टिक किया, उस पर समय नहीं दिया और केवल क्या किया, केवल तुक्का मार के चलाया, उसको भी बराबर नंबर मिले, और जो बच्चा उस पर समय दिया है, उसको लगाया है, और उसने एग्जाम हॉल में ये पहचान पाया कि ये क्वेश्चन गलत है या उसका उत्तर नहीं आया, फिर भी एप्रोक्सीमेट गोला भर के आया, और उसके उस 4-5 क्वेश्चन जो गलत थे उसकी वजह से उसका कितना नुकसान हुआ है, कितना समय की बर्बादी हुई है, उतने में बाकी सेक्शन कर लेता तो उसको भी उतने ही नंबर मिले, ये अन्याय हो जाता। इसी कारण से इससे पहले ही ये यूपीएससी के खिलाफ ही एक रिट उठी थी, एक केस दर्ज हुआ था, और उस तर्ज पे ये बताया गया था, यहाँ पे लिखा गया है कि उपरांत कुंजी प्रकाशित की जाएगी, अगर कोई ऐसी चीज गलत होती है सबसे पहले आंसर की दिया जाएगा, और आंसर की में अगर ये पाया जाता है कि कोई रिस्पांस की या फिर कोई उत्तर आयोग की तरफ से गलत है, भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत है, तो आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी, और कोई विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं ऐसे प्रश्नों का निरस्त कर दिया जाएगा, और निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र से किया जाएगा, और नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा।
मतलब कि सही उत्तर आपने कितने सही किए हैं, गुणे निर्धारित अंक जो 2 है, और बटे सही प्रश्नों की संख्या, कुल टोटल आपने कितने सही प्रश्न किए हैं, इसके इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। और ये फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करती है, इस कारण से सबको बराबर अंक नहीं मिलेंगे। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितने किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं और कितने बच्चों को नंबर मिलेंगे, किस बच्चे को कितना नंबर मिलेगा, मैं एग्जैक्टली सब कुछ आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में यह बताना होगा मुझे कि आप जिस भी शिफ्ट में रहेंगे, जैसी बात है आपको आइडिया लगा होगा, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर इस सेक्शन का ये प्रश्न था। आप क्या लिखेंगे, आप अपना शिफ्ट लिखेंगे, आप अपना एग्जाम डेट अपने शिफ्ट, और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि किस सेक्शन का कौन सा नंबर क्वेश्चन या उसका हिंट, ये वाला क्वेश्चन गलत था, मैं उसको एक बार रिव्यू कर लूंगा और उसके आधार पर एक बहुत बेहतरीन अपनी वीडियो बना दूंगा। वो आपको जब ऑब्जेक्शन आएगा तब भी आपको ऑब्जेक्शन डालने में मदद आएगा और आपको नंबर पाने में, और समान अगर कोई फालतू में केवल टिक मार के नंबर ले लिया है तो उसको, और कोई मेहनत करके उसको किया है तो दोनों को बराबर नहीं मिलेगा, कैसे नंबर मिलेगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो ये है जो लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं हैं, लोग गलत कुछ भी बिना उसके एनालिसिस पे जाके, बिना उसके डिटेल में जाके आप लोग को बता देते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा गलत होता है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, हां भाई नंबर कम होते हैं, किसी टीचर ने बोल दिया कम नहीं होते हैं, आप लोग उसको सही ना मान लीजिए, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूले में बताया भी था। अगर आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला साफ साफ बताता है कि यहां पे आपके नंबर में से एवरेज माइनस हो रहा है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आई और ये वैल्यू रेशियो 1 से कम आया, इन इसका बटा 1 से कम आया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ेगा तो, लेकिन कम जुड़ेगा, आपके नंबर से कम जुड़ेगा, जिसकी वजह से नंबर कम भी होता है। तो ये कोई कहता है कि नंबर कम नहीं होता तो वो या तो आपको मूर्ख बना रहा है और या फिर उसको खुद नॉलेज नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपका रहता है मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरा हो जाएगा, रनिंग करूं या ना करूं, और इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा कट ऑफ की वीडियो देखने के लिए परेशान रहते हो। मैं इस वीडियो को इसीलिए लेके आया हूं कि आपको ये पता रहे कि किस डिटेल एनालिसिस में मैं आपको कर रहा हूं। और एक चीज समझिए, जो 240 नंबर कट ऑफ बता रहे हैं या कोई 160 170 नंबर कट ऑफ बता रहा है, मैं दोनों दशा में लोगों को ये बोलूंगा कि भाई आप एनालिसिस नहीं कर लो। आप बोल लो कि मेरे पास 50,000 का आंकड़ा है, ये लो मैंने लिस्ट लेके मैं सामने आ गया, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा अगर स्क्रीनशॉट में सही से आया हो यहां पे कि कितने बच्चे अभी तक मुझे दे चुके हैं, उसका भी मेरे पास डेटा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कितने बच्चे हैं, जब मैं इतना प्रयास कर रहा हूं और लगातार ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर कितना आ रहा है, शायद इसमें स्क्रीनशॉट में आया नहीं, चलिए मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा कितने बच्चे, इसलिए मैं यहां पे लेके आया था। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चा कौन डेटा दे रहा है, आप इस डेटा को ध्यान से देखो, इसमें मैंने पूछा था कि कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं और कितने आपके नंबर हैं। बच्चा नंबर क्या बता रहा है, करेक्ट 68 बता रहा है, इनकरेक्ट 93 बता रहा है, और उसके बाद नंबर 2.5, ये डेटा आपका एलिवेंट है, ये डेटा आपका डेटा सही है ही नहीं। ऐसे बच्चा बोला 4 नंबर, बच्चा बोला 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अगर इन डेटा को इंक्लूड किया जाएगा डेटा ही खराब हो जाएगा। तो भाई 35,000 डेटा में ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जिसमें समय लगता है, इतने आनंद फानंद में हम लोग रोज उस पे 2-3 घंटा दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप आनंद फानंद में पूरा कट ऑफ घोषित कर दे रहे हो, किस प्रकार से घोषित कर दे रहे हो भाई, ये डेटा आप कैसे कर लोगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमाइज वाले कुछ बच्चों का मैं उन बच्चों का यहां पे लिया हूं, जो बच्चे क्या है जिनके मैक्सिमम जिन्होंने अपना नंबर दिया है, और उसको अगर आप देखोगे है ना, तो उसके नंबर 240-250 के आसपास जो मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कि भाई उनका मैक्सिमम स्कोर कितना हो रहा है, ये देखोगे मैक्सिमम वाले, तो ये मैक्सिमम वाले कुछ बच्चों को लिया हूं जो मैक्सिमम स्कोर 253-256-258-250 के आसपास, ये उन बच्चों का नंबर है जो क्या है, जो मैक्सिमम नंबर जा रहे हैं। मैक्सिमम नंबर मेरे आंकड़े पे जब मेरे पास 3-4 हजार की आंकड़ा आ पाया है, बहुत ज्यादा आंकड़ा आया ही नहीं है और बच्चा दे ही नहीं रहा, आपके पास 50,000 आंकड़ा आ जाएगा, कितने भी बड़े हो, ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो नहीं हजम होती है, किसी बच्चे को हजम हो जाए या किसी को हजम हो जाए तो वो बात अलग है, इतना आंकड़ा आपके पास नहीं और है तो आप दिखा दो, बच्चों को बेवकूफ मत बनाओ, आप सही एनालिसिस पे, आप सही डेटा पे बच्चों का एनालिसिस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। तो बच्चों आपकी कट ऑफ एनालिसिस तब सही हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा आंकड़े दोगे। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, लगातार आपको बता रहा हूं कि भाई फॉर्म भर दो, इस गूगल फॉर्म की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक है वही लिंक आपकी गूगल फॉर्म की, आप इस फॉर्म को भर दो, मेरे पास अभी आंकड़े बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि मैं बाकी चैनल्स के जहां पे भी कट ऑफ की वीडियो है उनके कमेंट को निकाल के और वहां से डेटा को इसमें इंसर्ट करके फिर मेरे पास 5-6 हजार आंकड़े होते हैं, तब अगर मैं बात करूं इसमें सही से वो स्क्रीनशॉट नहीं आया, तब अभी तक का जो अभी कट ऑफ जो आ रहा है इस समय वो 202 तक पहुंचा है, समझिएगा जैसे जैसे। और यह आंकड़ा ये तब की बात है जब देखो शुरुआत से बच्चा अगर मैं शुरुआती ये जो एलिवेंट नंबर है उनको हटा दूं, वहां से नंबर लेना स्टार्ट करूं जहां से बच्चे ने एक रियल वैल्यू दिया है, तो अगर इस रियल वैल्यू को आप देखोगे तो रियल
रियल वैल्यू में आप देखोगे कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आप इसे ध्यान से देखो तो रियल वैल्यू में कहां से नंबर, ये 138 से बच्चा नंबर देना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको जिनके 70 नंबर आ रहे होंगे, 80 नंबर आ रहे होंगे, हो सकता है कि उनके 120 नंबर आ रहे हों, 130 नंबर आ रहे हों, ऐसे भी बच्चे होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगा लेकिन वो बच्चा कभी डेटा देता नहीं है। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके हो सकता है 250-260 के ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरता कौन है, फॉर्म वो बच्चा भरता है जिस जो अपने सिलेक्शन के सबसे ज्यादा करीब होता है, उसे ये डर होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, इस कारण से कितने भी डेटा आ जाएंगे भाई 60,000 वैकेंसी है, वो 60,000 के 60,000 बच्चे डेटा नहीं दे देंगे। मैक्सिमम किसी संस्था के पास अगर डेटा जाएगा तो हार्डली 8 से 10,000 डेटा इकट्ठा हो पाएगा, मैं जो क्लियर शब्द में बोल रहा हूं, और कोई भी दिखा देगा इससे ज्यादा डेटा नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है वो 60,000 के आसपास ही होता है, मान के चलो 70-80,000, उसमें से डेटा मुश्किल से 5-10% बच्चा देता है, कहां से आपके पास 50,000 आंकड़ा आ जाएगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, 35,000 आंकड़ा कहां से आ जाएगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। तो भाई ये मैं आपसे भी विशेष कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा भरो ताकि एक सही एनालिसिस मैं आपके सामने ला पाऊं, और अगर कोई हाई कट ऑफ बता रहा है तो इसका मतलब कि वो गलत बता रहा है, कोई बहुत लो बता रहा है तो भी गलत बता रहा है। मैं इस वीडियो में कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना समझिए अगर मैं सारे शिफ्टों को एक साथ लेके चलूं और सारे गलत डेटा निकाल दूं, मतलब 138 से लेकर 250 के बीच में सारे बच्चों, लगभग 2,500 बच्चों का आंकड़ा ले रहा हूं, तो 198 से 200 के बीच में क्या आ रहा है, एवरेज स्कोर आ रहा है। हालांकि एवरेज से कहीं ज्यादा जाएगा, लेकिन यह ध्यान भी दीजिए यह एवरेज केवल सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का है, यह एवरेज सारे बच्चों का नहीं है, क्योंकि जो बच्चा बहुत कम नंबर पाएगा वो फॉर्म भरेगा ही नहीं भरेगा। अगर रियलिटी में सारे बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में लगता है, वहां पे एक शिफ्ट का जो एवरेज लगता है, वो शिफ्ट का एवरेज वो हमारे प्राप्त आंकड़ों से नहीं, वो जितने बच्चे 35,00,000 बच्चों ने पेपर दिया है उनके आंकड़े में होंगे, और उनके आंकड़ों में जब औसत देखा जाएगा तो औसत उनका कहीं 140-150 नंबर गिरेगा, यकीन मानिए, सोचिए उनका 140-150। तो अगर कोई ये बोले कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट का जो यहां पे ये वाला फॉर्मूला है कि जो किसी शिफ्ट ईजीएस शिफ्ट का फॉर्मूले में ऐड हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये 35,00,000 का आंकड़ा होगा ना, तो कोई बहुत इजी शिफ्ट होगी उसका भी एवरेज, जो बच्चा 0 नंबर पा रहा होगा, जो बच्चा 10-20 नंबर पा रहा होगा, और जो बच्चा 270 नंबर पा रहा होगा, सबका एवरेज लेके आएंगे, तो एवरेज 120-140 नंबर पे गिरेगा। प्रश्न नहीं बोल रहा हूं, नंबर बोल रहा हूं, यकीन मानिए, अगर आपको थोड़ी भी मैथ गणित स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रही होगी तो मेरे बात से आप सहमत होंगे, और सहमत है तो कमेंट करिए, नहीं सहमत है तो अपना तर्क भी दे सकते हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ये सारी चीजें बोलता हूं, क्योंकि इस पर बहुत दिमाग खपाता हूं और बहुत एनालिसिस करता हूं तब आपके सामने आता हूं, वरना मैं नहीं आता हूं, आप अन्य परीक्षाओं में भी देख पा रहे होंगे। तो इस चीज को यहां पे ये जो नंबर आपको लग रहा है ना कि ये 200 किसी इजी शिफ्ट का एवरेज 200-220 हो जाएगा, उसमें 10-20 ऐड करके 230 बता दे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर भाई एवरेज, क्योंकि ये सारे 35,00,000 के बच्चों का आंकड़ा होगा, और अगर इजी शिफ्ट का भी हम लोग एवरेज देखेंगे, सारे बच्चों का देखेंगे, तो मान के चलिए ये कितना आंकड़ा आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा 150-160 या 140 भी हो सकता है ये। और इसी में ये सारी चीजें, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 के करीब होगी, और ये केवल अंतर है आपके नंबर से एवरेज में। तो आपके नंबर से और एवरेज में कोई बहुत ज्यादा सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, 10-12 नंबर का ही फर्क आएगा, समझिएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर इसमें 20 नंबर का फर्क आ जाए, 1 गुणा कर दो, तो 20 में से ये इजीएस्ट शिफ्ट का जो टोटल एवरेज होगा, मैं अगर इसे 150 मान लूं तो भी 170 एवरेज जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मलाइज स्कोर, ये लेकिन ये स्कोर है, ये आपका कोई कट ऑफ नहीं बता रहा है। जो एवरेज आता है, जो नॉर्मलाइज मार्क्स आता है, एवरेज हमेशा जो कट ऑफ बनती है, ऊपर से 60,000 बच्चों का लिया जाएगा, और उसके लिए आप देखो अभी तक मेरे पास 2-3,000 आंकड़ा है, और इस 2-3,000 आंकड़ा में, इस लिस्ट में मुझे इससे ज्यादा नंबर का कोई बच्चा ही नहीं मिला। मतलब ये जो मुझे 11 था, जो कोई 270-280 उल्टा सीधा बोल रहा था, ये देखो मेरे पास 258-256, अगर ये आंकड़ा देखोगे 258-256 मैक्सिमम जा रहा है। और अगर यकीन नहीं है ना, आप सारे बच्चे इस कमेंट में अपने अपने स्कोर दे दो, कोई मतलब जेन्युइन बोल रहा हूं आपको, मैं क्या बोलूं, गलत शब्द नहीं बोल सकता, कसम दिलाने वाली बाकी अध्यापकों की तरह, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल दिल से आप अपना कमेंट करना, और अगर हंसी मजाक बिल्कुल मत करना, प्लीज वरना मत कमेंट करना, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप यहां पे करना और अपना करेक्ट स्कोर हर चीज करो, और अगर कोई बच्चा 270-280 100 बच्चे से ज्यादा कमेंट में मिल गए, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा और मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा कभी इस चैनल पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी वीडियो नहीं लाऊंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, इतना डेटा एनालिसिस करके मैं जान चुका हूं
कि कोई भी बच्चा 270 से 80 बहुत होंगे तो नाम मात्र होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं ऐसा नहीं करूँ कि कोई नहीं पाएगा, लेकिन बहुत कम संख्या होगी, पूरा कमेंट भर नहीं जाएगा, पूरा कमेंट जो भरेगा वो 200 नंबर के आसपास ही भरेगा और सारे लोग कमेंट करके देख लो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के ऐसे अध्यापकों से ऐसे यूट्यूबर से विनती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भटकाएं मत, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान मत करें कि कितना ज़्यादा जाएगा कितना कम जाएगा। मैं आपसे इतना बोलूँगा बच्चों कि जिसके पास भी एनालिसिस अच्छी हो वो जब करेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ ये लॉजिकली बात कर रहा है, तो आप उस पर बिलीव करो, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पे ही करो। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आप मुझे डेटा देते हो ज्यादा नहीं, मेरे पास अगर 10,000 आंकड़ा आ गया, 60,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, अगर 10,000 मेरे पास बच्चों का डेटा आ गया एग्जैक्ट गूगल फॉर्म में, तो यकीन मानो कि मैं आपको वो कट ऑफ बता दूंगा जो आपके एग्जाम में होने वाला है। एक भी ज्यादा ऊपर नीचे आया तो आप जो बोलोगे वैसा करूंगा, इतना एग्जैक्टली मैं आपको पूरा एक्सट्रापोलेशन मेथड, मैं पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा सब कुछ लगा के बता दूंगा जो शायद अभी तक कोई संस्थान नहीं कर पाई है। जो मेरा हुनर है वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म की लिंक आपके इसी डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, और आप ही मत भरिए, इस लिंक को अपने दोस्तों में, क्योंकि हर बच्चा कम से कम 20 बच्चे से कनेक्टेड है, अपनी लाइब्रेरी में कनेक्टेड है, अपने कोचिंग में कनेक्टेड है, अपने परिवार में कनेक्टेड है, जो यूपीपी का एग्जाम दिया है उससे फॉर्म भरवाइए, और उससे भी बोलिए कि बस वो फॉर्म भर दे, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ज्यादा नहीं 10,000 आंकड़ा आ गया तो यकीन मानिए मैं अगले दिन आपका कट ऑफ ले आऊंगा। वैसे मैं कट ऑफ की घोषणा आपकी 5 सितंबर को करूंगा, शिक्षक दिवस है, और उस दिन की मर्यादा रखते हुए मैं कोई भी चीज गलत नहीं बोलूंगा, यह आपसे वादा है, क्योंकि शिक्षक दिवस में एक शिक्षक गलत बोलेगा तो फिर मेरा कोई वजूद नहीं रह जाएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।